नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप का, ठीक है. सो जी एस इज इक्वल्स टू के एस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 14 एंड एस प्लस 18, ठीक है. सो ये आपका क्या है, दिस इज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है. नाउ ही इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, किस के वैल्यू के लिए आपको ESS क्या मिलेगा, 10%, ठीक है. किस के वैल्यू के लिए एरर 10% आएगा फॉर दिस सिस्टम. नाउ देर इज नो मेंशन ऑफ इनपुट अगेन, सो यहाँ पे के बैठा हुआ है, ठीक है. सो ये क्या है, कोई ये क्या है, स्टेडी स्टेट एरर इज फाइनाइट, ठीक है. नाउ सबसे पहले ये सिस्टम ले लें आप, जी एस इज इक्वल टू दिस, ठीक है. नाउ ये क्या है, सबसे पहले टाइप देखना होगा, सो टाइप जीरो. सो टाइप जीरो सिस्टम है. नाउ टाइप जीरो सिस्टम है दैट मीन्स आपको क्या निकालना होगा, केपी निकालना होगा, ठीक है. बिकॉज ओनली केपी वैल्यू इज, केपी निकालना होगा बिकॉज आपका जो क्या कहते हैं क्या होगा, केवी जीरो होगा एंड आपका जो क्या कहते हैं के ए होगा वो भी जीरो होगा. सो ये दोनों निकालने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सो केपी निकालते हैं. सो केपी आपका डेफिनेटली एक फाइनाइट वैल्यू होगा बिकॉज केपी टाइप जीरो के लिए फाइनाइट होता है. सो इसमें जीरो पुट करेंगे, केपी मींस लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस, सो डायरेक्टली इसमें जीरो पुट करेंगे. सो आपका जो केपी होगा दैट वुड बी के इंटू 12 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 18, ठीक है. नाउ ई एस एस इज 10%, दैट मीन्स ई एस एस इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है. नाउ टाइप जीरो सिस्टम है, आपको फाइनाइट एरर मिल रहा है. व्हाट इज द ओनली इनपुट दैट कैन गिव यू फाइनाइट एरर इन अ टाइप जीरो सिस्टम. टाइप जीरो सिस्टम में आपको के पी फाइनाइट होता है, ठीक है. दैट मीन्स के पी फाइनाइट है तो 1/1 प्लस के पी भी फाइनाइट होगा. 1/1 प्लस के पी फाइनाइट होगा, ठीक है. और के पी किसके लिए होता है, आपका स्टेप इनपुट के लिए, ठीक है. ये एरर किसके लिए है, स्टेप इनपुट के लिए. सो ये जो ई एस एस दिया हुआ है ये किसके लिए है, स्टेप इनपुट के लिए, ठीक है. सो ये ऑब्वियस हो गया कि उसने स्टेप इनपुट दिया होगा. सो वो मेंशन नहीं करेगा स्टेप इनपुट, ये आपको खुद से ही निकालना होगा कि भैया टाइप जीरो सिस्टम है, फाइनाइट एरर आ रहा है, दैट मीन्स वो स्टेप इनपुट दे रहा है. क्यों, बिकॉज टाइप जीरो सिस्टम के लिए केपी फाइनाइट है तो 1/1 प्लस केपी भी फाइनाइट होगा एंड 1/1 प्लस केपी इज स्टेडी स्टेट एरर फॉर द स्टेप इनपुट, ठीक है. सो यहां से ये निकल गया आपका ई एस एस इज दिस, दैट मीन्स 1/1 प्लस के पी इज इक्वल टू दिस, इसको लिख दो 1/10, दैट मीन्स 1 प्लस के पी इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स के पी इज इक्वल टू 9. सो के पी 9 है आपका, सो ये 9 हो गया, ठीक है. नाउ 3 इज 9 एंड 3 इज 12, ये 2 होगा और ये आपका 7 होगा. फिर 2 से ये 9 हो जाएगा, दैट मीन्स के वैल्यू वुड बी 63 इंटू 3, दैट मीन्स ये आएगा आपका 189, ठीक है. सो के वैल्यू 189 रखोगे तब आपको इतना स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा, ठीक है. इस के वैल्यू के लिए आप देख लेना सिस्टम स्टेबल आएगा, सो मैं चेक करके नहीं बताऊंगा, ठीक है. सो दिस के वैल्यू इन द डिज़ाइन वुड गिव यू अ स्टेबल सिस्टम, दिस वुड गिव यू दिस मच एरर फॉर द स्टेप इनपुट. स्टेप इनपुट यहाँ मेंशन नहीं है बट ऑब्वियस है वो स्टेप इनपुट के लिए ही होगा. वो स्टेप इनपुट के लिए ही होगा, ऑब्वियस है वो, ठीक है. क्यों ऑब्वियस है, बिकॉज टाइप जीरो सिस्टम के लिए केपी ही फाइनाइट होता है. केपी फाइनाइट है तो 1/1 प्लस केपी ही फाइनाइट हो सकता है, ठीक है. सो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया.